हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर चिराग अरोरा, स्पोर्ट्स सर्जन एट सीके बिरला हॉस्पिटल। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट मेनिस्कस इंजरीज, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेनिस्कस इंजरीज का ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है मेनिस्कस इंजरी, मेनिस्कस बेसिकली कुशन्स है जॉइंट। अब कुशन्स जब भी डैमेज होते हैं क्योंकि वो कुछ टिश्यू या फाइबर से बने होते हैं, तो कभी भी कोई रस्सी टूटती है, कुछ केसेस में रस्सी अगर बहुत खराब तरीके से टूटी है तो उसमें आपको स्टिच करना पड़ता है। ऐसे ही हमें मेनिस्कस की सर्जरी करनी पड़ती है कुछ केसेस। माइनर टीयर्स में हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते। सो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेनिस्कस में कुछ ब्रेस हो सकता है, प्राइस थेरेपी हो सकती है एक्यूट फेज में, प्लस हम लोग आपको 4 to 6 months के लिए स्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। मोस्ट पेशेंट्स फिजियो के साथ, रिहैबिलिटेशन के साथ अपना बैक टू वर्क नॉर्मली आ सकते हैं, सारा अपना डे टू डे ऑफिस वर्क कर सकते हैं। जिन केसेस में मेनिस्कस वेरी वेल हील हो जाता है उनमें वो स्पोर्ट्स भी वापस खेल सकते हैं। लेट्स कम टू द ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। अगर आपको या आपकी रिपोर्ट बताती है कि मेनिस्कस में रूट टीयर है, रेडियल टीयर है, या फिर आपकी रिपोर्ट बताती है कि कोई ACL या PCL, कोई और लिगामेंट या कार्टिलेज डैमेज है, इन सब केसेस में आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू होता है। आर्थ्रोस्कोपिक मतलब की होल या पिन होल सर्जरी। हम एक कैमरा अंदर ज्वाइंट में डालते हैं, हम मेनिस्कस को विजुअलाइज करते हैं स्क्रीन पे। अगर हमें लगता है टीयर है तो हम 2 या 3 स्टिचेस लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टीयर। पोस्ट सर्जरी आपको एक बेल्ट के साथ रखा जाएगा और मोस्ट ऑफ द सर्जन्स आपको सेम डे वॉकिंग करा देते हैं। मेरी प्रैक्टिस में जनरली सेम डे इवनिंग तक वॉकिंग करा के नेक्स्ट डे हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। रिकवरी टाइम फर्स्ट 2 weeks में मोस्ट पेशेंट्स अचीव अराउंड 60 degree मूवमेंट्स, जो कि ACL में हम लोग अराउंड 90 degree अचीव करते हैं। तो मेनिस्कस में, स्पेशली मीडियल मेनिस्कस में, हम लोग बेंडिंग थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, थोड़ा स्लो जाते हैं। मोस्ट पेशेंट्स जॉइन बैक देयर वर्क बाय 5 days। मोस्ट पेशेंट्स आर एबल टू डू ऑल देयर एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ 6 weeks। अगर हमें लगता है 6 weeks तक प्रोटोकॉल ठीक जा रहा है तो हम लोग बेंडिंग एक्टिवली प्रमोट कर देते हैं। 6 weeks to 3 months, single leg balancing, straightening, hamstrings, ये सब strengthening start करे जाते हैं। 3 months के beyond हम लोग return to sports या return to play protocol start करें, जो कि similar होता है with ACL और PCL और other ligament injuries across the knee। जो patients को ध्यान रखने वाली बात commonly है is meniscus commonly all ligaments के साथ associated होता है, जिन केस में सर्जरी एक नेसेसिटी बन जाती है रादर देन जस्ट सीइंग द मेनिस्कस। अगर आपको मेनिस्कस प्लस ACL सर्जरी रिकमेंडेड है, उसका प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अ प्योर ACL और अ प्योर मेनिस्कस सर्जरी। जनरली स्पोर्ट्स इंजरीज के बाद 6 weeks ऑफ फिजियो इज मैंडेटरी, क्योंकि मूवमेंट्स नॉर्मल मूवमेंट्स से नहीं होता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे मेनिस्कस पर से सच प्रिवेंटिव एस्पेक्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज पिवटिंग या सिंगल लेग पे खड़े होकर ट्विस्ट करना, जैसे आप बास्केटबॉल या सॉकर में करते हैं, वो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। दैट इज इनफ फॉर मेनिस्कस। सो इफ वी समराइज द मेनिस्कस इंजरीज इन शॉर्ट, इट्स लाइक मेनिस्कस आर स्मॉल कुशंस विच गेट इंजर्ड ड्यूरिंग पिवटिंग स्पोर्ट्स। यू प्रेजेंट विद पेन, स्वेलिंग एंड पेन स्वेलिंग प्राइमरली, इंस्टेबिलिटी जनरली लिगामेंट्स में होती है। प्लस आपके डॉक्टर स्पोर्ट्स सर्जन एग्जामिन करके आपको इंस्टेबिलिटी या स्वेलिंग के बारे में कमेंट करके, कीपिंग दैट ऑल इन माइंड, दे मे एडवाइज यू एन MRI। MRI पे डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ टीयर वी मे रिकमेंड यू अ सर्जिकल और अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। रिकवरी टाइम्स आर जनरली 6 weeks to 3 months एंड रिकवरी टाइम्स आर फास्टर फॉर मेनिस्कस एज कम्पेयर टू ACL। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट प्राइमरली क्वाड्रिसेप्स ट्रेनिंग इज व्हाट वर्क्स। नेक्स्ट वीडियो में वील डिस्कस अबाउट PCL, एंड PCL इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स एंड
काफी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू ऑल फाइंड दिस वेरी इंफॉर्मेटिव एंड फॉर एनी क्वेश्चंस यू कैन डीएम अस डायरेक्ट। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।